सास का डर। क्या बात है बहू, सोई नहीं, नींद नहीं आई क्या रात में? हाँ, नाना माजी, मैं सोई थी, बस नहाकर मैंने पूजा कर दी। आपके लिए नाश्ता बना दूँ? सास जो बस 2 मिनट पहले सोकर उठी थी। अरे नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी खाना, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। सास वॉशरूम से बाहर आती है कि बहू हाथ में चाय लेकर खड़ी होती है। माँ जी चाय? हाँ जरा मुंह तो पोछ लूं। माँ जी ये लीजिए, मैं पोछ देती हूँ। बहू जल्दी से अपने पल्लू से सास का मुंह पोछ देती है। अरे बहू देख, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। अरे रागिनी, क्या चल रहा है सास बहू के बीच? माँ डरा कर रखना अभी से, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। बेटा तो बेचारा मजाक कर रहा था, लेकिन रागिनी को बात दिल पर लग गई। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं निकलूंगी, जाऊंगी भी तो सासू माँ से पूछ कर। वैसे आज ना माँ का जन्मदिन है, पर मैंने उन्हें विश तक नहीं किया। माँ जी आप बोलिए तो मैं विश कर दूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करती विश भी माँ को। अरे नहीं नहीं रागिनी, माँ है तेरी, कर दे विश। ठीक है, मैं ना विश करके आती हूँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। सास चाय पीते पीते बेटे से कहती है, ये बहुएं ऐसे तो नहीं होती है, मैंने तो हमेशा सासों को बहुओं के नाम पर रोते ही देखा है, लेकिन मेरी बहू ये तो बहुत ही अच्छी है भाई। माँ ज्यादा खुश ना हो, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, समझी? हो सकता है आज चिपक चिपक कर तुझे खुश करे, कल को मौका मिलते ही। समझदार को इशारा ही काफी है। हाँ बेटा सही बोल रहा है तू, मैं ना इसको टाइट ही रखूंगी, कोई भरोसा नहीं होता ये बहू नाम के प्राणी का। बहू माँ को विश करके खुशी खुशी आती है, सोचती है कि सास के पास बैठूं। वो जैसे ही पास रखी चेयर पर बैठने जाती है कि सास जोर से चिल्लाती है, नीचे नीचे। क्या माँ जी? जमीन में बैठो, हमारे यहाँ सास की बराबरी में नहीं बैठा जाता, जमीन पर बिछा लो कुछ भी। बहू क्या करती, कभी सास को उस पर प्यार भी आता तो वो बेटी की बात को याद कर लेती, और उधर बहू को थोड़ा भी करने का मन करता तो पति की बात याद आती। काश मेरी शादी ही ना हुई होती। अरे कैसी बात कर रही हो, शादी नहीं होती तो मैं कहाँ से मिलता और तुम कहाँ से मिलती मुझे? वैसे ये ख्याल आया क्यों? क्या जिंदगी है, ऐसे नौकरों जैसी जी नहीं जा रही है मुझसे, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके ही चली जाती हूँ। हाँ जाओ, लेकिन माँ से पूछ कर जाना, ठीक है? ना ना, मैं उनसे नहीं पूछूंगी, मना कर दिया तो, वैसे भी मैं अब कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। तभी सास वहां से निकल रही थी, जो अपने बेटे और बहू की बात सुन लेती है। देख रागिनी, माँ को तो तू जानती ही है, कैसी जल्लाद सी है। अरे नई नवेली बहू के साथ ऐसे करते हैं क्या जो वो तेरे साथ करती है? मैंने तो कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मेरी बीवी को बख्श दो, लेकिन नहीं। माँ को हैरानी होती है कि आखिर ये उसी की औलाद है जो ऐसी राजनीति सास बहू के बीच खेल रहा है। सास वहां से चली जाती है। रागिनी नहीं मानती तो रागिनी का पति सीधा माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। देख माँ, ठीक है ना, वो जाना चाहती है तो जाने दे, लेकिन बोल देना कि 2 दिन में वापस आ जाए। अरे बेटा 2 दिन क्यों, जब से शादी हुई है घर में लगी रही है, बच्ची ही तो है, जाने दो जब तक मन है। अरे कैसी बात कर रही है माँ, घर की बहू को ज्यादा छूट दोगी तो हाथ से निकल जाएगी। हाँ सास मन में सोचती है, वाह बेटा मुझसे ही चालाकी, तेरी माँ हूँ मैं, अब देख कैसे मजा चखाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, वैसे भी तेरे बोलने पर अब तक बहू के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है मैंने। बहू भी सास और पति की बात सुन रही होती है। मेरे कहने पर? वाह माँ वाह, मैंने तो तेरे भले के लिए कहा था,
और माँ वो नहीं रहेगी तो घर का काम तुझे करना पड़ेगा। सास है तू, भूल गई क्या? मुझे ये नहीं पता कि मैं सास हूँ या नहीं, पर तेरी माँ जरूर हूँ। याद है मुझे बहू मेरा कितना ख्याल रखा करती थी, लेकिन तेरे भड़काने पर मैंने मासूम बच्ची के साथ क्या क्या किया। और रहा सवाल काम का, तो कौन सा तेरे बचपन से वो पाल रही है तुझे? मैं ही तो खाना बनाती थी ना। तू ना घर की ज्यादा चिंता मत कर बेटा। बहू सास के पास आती है और मायके जाने के लिए पूछती है। हाँ हाँ जा बहू, और जितनी मर्जी उतना रह ले, मन भर जाए तो अपने घर वापस आ जाना, ठीक है? पास खड़े पति को न जाने क्या सोचता है। हाँ हाँ माँ आ जाएगी, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो कभी आएगी नहीं। वैसे तेरे तो अब मजा है। क्यों क्यों, ऐसा क्या बहू मेरा चैन छीन रही थी? वैसे तुझे हो क्या गया है बेटा, तेरी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही। अरे जाना है तो तू भी चला जा बहू के साथ। नहीं नहीं मैं अकेले ही जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ये, बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। देखा माँ कैसे बोल रही है ये। अरे जाने दे बेटा, कोई बात नहीं, अकेले जाने का मन है तो जाने दे, जा बेटी। वैसे भी इसके बोलने पर मैंने बड़े गलत व्यवहार किए तेरे साथ, मैं ना ऐसी सास नहीं हूँ, तू जा। मैं तो सोच रही थी कि तुझे भी आराम की जरूरत है, और इस घर में तो तू कभी चैन से रह ही नहीं पाएगी। हाँ माँ जी, आज तक तो सास बहू की पॉलिटिक्स सुनी थी, लेकिन ये बेटे और पति की राजनीति समझ में नहीं आ रही। अरे कैसी बात कर रही हो रागिनी, मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया वो तो छोड़ ही दे बेटा, क्योंकि हम दोनों समझ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्यों किया। हाँ और क्या, हर कोई घर में शांति चाहता है, माँ और बीवी के बीच में ताल मिल जाता है, लेकिन आप। हाँ बेटा, बहू तो बेटी की तरह रह रही थी और मैं माँ की तरह, फिर तूने क्यों आग लगा दी दोनों के बीच? वो तो अच्छा है कि मैंने तेरी और बहू की बात सुन ली, तो तेरा असली चेहरा सामने आ गया। देखिए अब तुम लोगों के आगे मेरी हकीकत सामने आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे डर लगता था कि ये रागिनी अपनी अच्छाई से तुझे मुझसे छीन ना ले। तुझे बेटी का शौक भी था, बहू में तुझे बेटी मिल जाती तो मुझे कम प्यार करती, और उससे ज्यादा बस इसीलिए। वाह, आपका डर मेरी जिंदगी नरक बना रहा था, मैं तो चली गोवा रिलैक्स करने। सासू माँ दो टिकट है, चले क्या?